दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। अग्नि तुम्हारे हाथ है ना एकदम सिलिकॉन जैसे सॉफ्ट, मन तो करता है ऐसी जिंदगी भर इन्हें पकड़ के रखूं। हमारा मन करता है कि हमने आपके कॉल ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में पड़ा है दम। मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की भाई मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके चांदी जैसा तन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन। हमारी शादी को इतने साल हो गए फिर भी तुम्हारे फूफा जी कभी सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, कैंडल लाइट डिनर भी करवाते, तुम दोनों इतना भी नहीं कर पाते। और अगर कर दिया तो? तुम दोनों की पत्नियां तुम दोनों से बहुत खुश हो जाएंगी। आज शाम 6 बजे गुलाब लेके इंतजार करूंगा, देखते हैं कैसे जाओगे। नहीं, हमारे साथ आना जरूरी काम है। ये मिर्चा मसाला जो है ना वो सब पीस के रख देना, हमारा कमर में ना बहुत दर्द है। आपको मेरा नंबर चाहिए था ना? हाँ। तो नोट डाउन कीजिए, आगे लिखो 32। 32? लिखो लिखो, यही हमारी ना चप्पल का नंबर है जो तुम दोनों पर बरसने वाली है। And this is for you, ma'am. ये आप किसका आर्डर हमारे मेज पे रख रहे हैं? ये वापस लेके जाइए। नहीं मैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये फ्री का है हमारे वेलकम के लिए। लो। वैसे तो मैम एक ही बार मिलता है, बट आप इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं और ले आता हूँ। अरे भाभी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? तुमसे मतबल, हम घर आ गए। कहाँ रह गए लोग? आ जाना चाहिए था अब तक। तो बुआ, हम कितना निमन सो रहे थे, तुम काहे रहे? तुम्हारा सब आता तो हमको ठीक लगता है, बाकी आधा रात को जो तुम उठा के भगवाने लगती होगी हमको ठीक नहीं लगता। दुलार यार, तुम देख लेता है ना कौन करता है गाइस। जंगल है हे राम, ले वाले भैया झूला। हम तो सोचे थे कि थोड़ा पीकर अपना शर्म और हया भूल जाएंगे, लेकिन ये लोग तो पीकर टुन हो गए। अरे क्या कर रहे हो ये सब? आपको पता है वहाँ पे बुआ जी झूला झूला दो। बुआ जी आपको पता है मिस्टर जी ने एक शरबत पिलाया तो क्या वहाँ ठंडी आया? इसने 5 पी लिया। बुआ तुम देखो ना, जाके हम जाके सुत जाए। दुलारिया घर आ चलो। अरे चलो कहाँ, नींद में कहाँ चले अब। अभी रोहिणी आज तो तू गई। अरे भाभी, आप इतनी रात को कहाँ जा रही है? तुमसे मतबल। भाभी भाभी आप सही कह रही है, हमसे कहा मतलब, पर कहा है ना कि वो हम बोर हो रहे थे, बहुत बोर हो रहे थे, तो चलिए ना भाभी और ननन मिलके बातें करते हैं बैठकर। तुमसे बतियाने से तो अच्छा है कि हम दुलरिया के साथ ना भजन है गाल, समझे? चलो दो रहे। अरे भाभी, अरे भजन उजन सच्चो का गाना है भाभी, सुनिए तो सही, हमारे साथ बात तो कीजिए। बुआ दरवाजा बंद कर दिया।
बंद करो और बिना आवाज किए चारों मेरे साथ चलो। चुप रहो, चलो। ससुरा पता नहीं कहाँ कंप्लीट ट्रिप पिला दी हमें, हमारा तो पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा है। बड़की भौजी तुमको सच्चों का नहीं पता है कि तुम का चढ़ा के आई थी है? अरे हम वो का कंप्लेटरी वो पिए थे हम ससुरा, हमें का मालूम था वो। हाँ तभी ठीक होने में दुलाई दी थी, हम बेटर को ना बताएंगे जाके पता नहीं का पिला दिया था। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी साधी छोरी जरा भी हो गई। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहुओं का मुंह क्यों उतरा हुआ है, मुझे ये बताओ कल रात कैंडल लाइट डिनर कैसा रहा? का बुआ आप यू मोमबत्ती वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं? हमारा तो ना जान निकला जा रहा है वो सासू मियाँ के गुस्से के बारे में सोच सोच के, अब बहुत परेशान हो रहे। तुम दोनों उस गुस्से की फिक्र मत करो, हम हमारी भाभी को जानते हैं और हमारे भैया को, वो भाभी को मनाने का सब तरीका जानते हैं, वो उन्हें मना लेंगे और थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों मुझे ये बताओ कि कल रात कैंडल लाइट डिनर के बाद कोई बात बनी या नहीं, कोई चिंगारी भड़की कुछ हुआ? अरे बताओ तुम दोनों तो पक्का हवा में उड़ रहे होंगे है ना? नहीं बुआ जी, हम हवा में नहीं उड़ रहे थे। अरे तुम तो नहीं मारने के लिए दौड़ गई उसे? हमने मारा उसे, सॉरी बोला, लात भी मारी। चलो कोई बात नहीं, देखो जो हुआ वो हमारी उम्मीद से थोड़ा कम हुआ, लेकिन आगे जो होगा उससे सारा मामला सेट हो जाएगा। नहीं समझी? नहीं समझी, समझाओ जी। तुम क्या छुपा रही हो? हम सही कर देना, हम हाथ धो क्या है। भाभी आज बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ना आजकल आप बहुत सखी मिजाज के हो गए। अरे मैंने कहाँ शक किया जी, कुछ नहीं है। चलो तो कुछ नहीं है, बाय। कालिया का काल बनकर आएंगे। हम सब लोगों को तुम्हारे ऊपर गर्व है गो। थैंक यू। मरने के बाद तुम्हारा पुतला लगवाएंगे हम। ये मेरा हस्बैंड वीर है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी आई एम प्राउड ऑफ यू होता है। सही पकड़े हैं। यक चतुर नाद करके। अरे वही बहुत ही मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर हैं जनीर चौधरी। और आने वाले कल में मेरा एक गाना ऐसा सुपर हिट होने वाला है, और जिस गाने के गाने वाले हो प्रज्ञा इबीबी तेजी जीते ही प्यार करते है। मने मंजूर कोन्या यो छोरी इस तेजा ते प्यार कर।
प्रज्ञा, मैं तेरे दोबारा ब्याह करने के पक्ष में ना हूँ। आप सब लोग बड़े थे, आपका जो भी फैसला होगा ना वो हमें मंजूर होगा। मन्ने मंजूर। भगवान जाने आपने जो चुनौती हमारे घर वालों को दी से उसे वो जीत भी पाएंगी कि ना। वो लड़की जितनी भी भोली से और प्यारी से और उसमें उतनी ही आकर से पता नहीं क्या क्या करवा के मने। जो भी करवाएगी हम करेंगे और जीतेंगे भी।